जय भीम, मैं अर्जुन सिमोलिया। दोस्तों, ऐसा कि आप सभी को पता ही होगा कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जो सबको धमकी देता है लगातार, एक बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो या नेता हो, उनकी हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो है नाम निकलकर सामने आता है। लेकिन अब लॉरेंस बिश्नोई को भीम सेना के नवाब सतपाल तंबर ने जो है उसकी जितनी भी गैंग है उसको खत्म करने की धमकी दी है। जो नवाब सतपाल तंबर हैं, उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को चेतावनी यह दी है कि अगर गृह मंत्री अमित शाह उन्हें इजाजत दें और परमिशन दें, तो जो नवाब सतपाल तंबर हैं वो लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को मात्र 2 घंटे और 4 मिनट में खत्म कर देंगे। ये बात भीम सेना के नवाब सतपाल तंबर के द्वारा बोली गई है, जो तमाम मीडिया चैनल दिखा रहे हैं। फिलहाल नवाब सतपाल तंबर ने क्या कुछ बयान दिया है वो सुनिए, फिर आगे बातचीत भी करते हैं। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, इस तरह के छपरी बिश्नोई को उसी जगह भेज देना चाहिए जहां उसकी जगह है। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी तो हमें आदेश करें, हमें आप मात्र 2 घंटे 4 मिनट की छूट दे दीजिए। 2 घंटे 4 मिनट में हम इस छपरी बिश्नोई और इसके पूरे ग्रुप का पूरे दुनिया से नामो निशान मिटा देंगे। और ये आपके लिए एक बड़ा चैलेंज है, या तो आप इस छपरी बिश्नोई को खुद ही रास्ते से हटाएं, युवाओं का भविष्य बचाएं, भले भोले लोगों को निशाना होने से बचाएं, शिकार बनने से बचाएं, या फिर भीम सेना यदि अपनी वाली पर आ गई तो फिर हमें अपनी परवाह नहीं, हमें अपनी चिंता नहीं, हम 2 घंटे 4 मिनट में इस छपरी बिश्नोई का पूरे देश भर से सफाया कर देंगे। इस 2 पैसे के एक गली के मामूली से चोर उचक्के और 2 पैसे के छपरी बिश्नोई को हम मिट्टी में मिला देंगे। पूरे देश भर से और दुनिया से इसका नामो निशान मिटा देंगे। तो ये भीम सेना के नवाब सतपाल तंबर थे, आपने सुना ही है। उन्होंने साफ कहा है कि इन लोगों की धरती पर जगह नहीं है रहने की, इन्हें उसी जगह भेज दिया जाना चाहिए जहां इनका स्थान है। आपको पता होगा कि लॉरेंस बिश्नोई, जिसने पहले पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करवाई, इसके बाद करणी सेना के एक बड़े नेता की हत्या करवाई, और हाल ही में कुछ ही दिन पहले जो बाबा सिद्दकी थे उनकी मुंबई में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों के द्वारा हत्या कर दी गई। तो लगातार धमकियां देना और हत्या करवाना, वो भी जेल में बैठकर, ये पूरा षड्यंत्र रचते हैं कि किसकी हत्या करनी है और इसके बाद इनके गुर्गे शूटर जो है हत्या को अंजाम देते हैं और किसी का भी मर्डर कर देते हैं। आपको पता ही होगा कि जो बॉलीवुड स्टार हैं सलमान खान, उनको भी काले हिरण को मारने के बदले में अब धमकी मिली हुई है, और लगातार सलमान खान के बारे में यह धमकी दी गई है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा, खुद लॉरेंस बिश्नोई के द्वारा, कि जब मौका मिलेगा, और उसकी तैयारी रची जा रही है, साजिश रची जा रही है कि किस तरह से सलमान खान को निपटाया जाए, और इस तरीके से लगातार धमकियां मिल रही हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं लॉरेंस बिश्नोई जैसे अपराधी को क्या एनकाउंटर में ढेर नहीं कर देना चाहिए, ये बड़ा सवाल पैदा होता है।